भाई जिस गाड़ी के सामने आज हम खड़े हुए हैं ऑल्टो K10 जो कि हाल फिलहाल में 2022 में लॉन्च हुई है और इसकी अभी लुक वगैरह चेंज कर दी गई है पहले वाली ऑल्टो K10 से और इसकी लुक वगैरह चेंज करने के इसके इंजन वगैरह में भी HP वगैरह का डिफरेंस आ चुका है और सामने से इसकी लुक कुछ आप देख सकते हो इस प्रकार की है। इसके इंजन इंजन वगैरह की बात करें तो इसके अंदर आता है 998 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और माइलेज करते हैं 24 की। और इसके अंदर वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर कुल 4 वेरिएंट आते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, फिर LXi VXi VXi Plus जिस वेरिएंट के सामने आज हम खड़े हुए हैं ये इसका VXi वेरिएंट। और कलर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर कुल 6 कलर आते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 27 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है और इसके अंदर सेंट्रल लॉक वगैरह आती नहीं है। सामने दो फ्रंट विंडो आती हैं जो इसकी पावर आती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 आते हैं। सेफ्टी वाइज बात करें तो इसके अंदर एयरबैग ABD, दो एयरबैग सामने, ABS+EBD आता है, स्पीड अलर्ट सिस्टम आता है। ब्रेकिंग की बात करें तो सामने डिस्क और पीछे इसके में ड्रम ब्रेक आते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है और 214 का लीटर इसका बूट स्पेस आता है। अभी करते हैं इसकी वीडियो स्टार्ट। अभी कुछ सामने से देख सकते हो कुछ इस प्रकार इसकी लुक दी हुई है और ये कुछ इस प्रकार के इसके हेडलैम्प दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल हैलोजन वाले बल्ब दिए हुए हैं और ये इंडिकेटर के साथ और ये कुछ सुजुकी का लोगो और यहाँ पे ये इसका जो मैट में इसकी ग्रिल है जो मैट में दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह है और नीचे से कुछ इस प्रकार की लुक है इसकी। अभी इसको साइड की लुक दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इसके ORVM देखिए, ORVM इसके ब्लैक मिलते हैं जो कि कोई बॉडी कलर वगैरह नहीं मिलते। और इसके ये नीचे आपको व्हील की बात करें तो इसके अंदर स्पोक व्हील के ऊपर व्हील कवर दिया हुआ है जो कि ब्लैक में इसके कवर न होने के बाद सिल्वर में इसके दिया हुआ है। इसके टायर साइज की बात करें तो 145/80R13 नंबर के इसके टायर मिलते हैं आपको और ये इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर दी हुई है। अभी चलते हैं इसके डोर के ऊपर, डोर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसके जो खोलने वाले हैं, ये इसको बॉडी कलर दिए हुए हैं। ये देख कुछ इस प्रकार का इसका डोर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल मैट में है और इसके अंदर दो स्पीकर म्यूजिक सिस्टम आता है। ये ORVM इसके स्टिक जो स्टिक दी हुई है, ठीक है। और अभी चलते हैं इसके पीछे, अभी इसके पीछे वाले डोर को दिखाते हैं। पीछे वाले डोर के डोर में जो देखो ये इस मैनुअल विंडो दी हुई है, ये देखो मैनुअल विंडो ऊपर नीचे करने के लिए। ये कोई सिल्वर वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पे, बिल्कुल ही मैट ब्लैक में दी हुआ है। पीछे स्पीकर की आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं लेकिन इसके अंदर पीछे स्पीकर नहीं आते हैं, ये चाइल्ड लोग से जो अपना चिल्ड्रन लोग आता है उसके लिए। और अभी हम इसका दिखाते हैं आपको बूट स्पेस। बूट स्पेस खोलने के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका बूट स्पेस है। आगे से ऑन करने के बाद बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 214 लीटर का बूट स्पेस और बूट लैंप वगैरह आपको इसमें मिलता नहीं है। इसकी ये जो सीट है ये भी फोल्ड हो जाती है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी सीट फोल्ड हो जाती है। और अभी इसकी बैक लुक दिखाते हैं आपको। बैक लुक में देखिए ये आपको इसको इसका ये टेल स्टॉप लैंप मिल जाता है और ये कुछ इस प्रकार इसका टेल लैंप दिए हुए हैं जो कि एक इंडिकेटर और एक रिवर्स बल्ब के साथ मिलते हैं आपको। ये ब्रेक लाइट होगी इसकी। और पीछे सेफ्टी वाइज बात करें तो आपको इसको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये ऑल्टो K10 की बैजिंग होगी, सुजुकी की होगी। आप इसको मैनुअल की के साथ भी ओपन कर सकते हो, अगर मैं की के साथ में ओपन करना है तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो इसको। अभी आते हैं इसकी साइड लुक में। साइड लुक में आने पर बता फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको इसकी पहले ही बता दी थी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये कुछ इसकी साइड लुक है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर चलने से पहले आपको दिखाते हैं इसकी की। और की की बात करें तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से मैनुअल की आती है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर चलने से पहले दिखाते हैं आपको इसका डोर, मैंने पहले आपको दिखा दिया था। और इसका कुछ इंटीरियर देखिए आप, इसकी ये ड्यूल टोन में सीट कवर दी हुई है, सिल्वर से का प्रयोग है और साथ में मैट का। और ये देखिए बिल्कुल मैट में इसका ये दिया हुआ है डैशबोर्ड, ठीक है। ये देखिए भाई पीछे की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है।
और अभी करते हैं स्टार्ट रिव्यू। ये देखिए भाई, नीचे दिया हुआ है भाई क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए। इसके लाइट लाइट को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब उनका थ्रो ऊपर नीचे करने के लिए। और इसका कुछ इस प्रकार से स्टेयरिंग दिया हुआ है, जो कि कोई म्यूजिक कंट्रोल वगैरह नहीं था, कुछ इस प्रकार से इसका हॉर्न दिया हुआ है। और ये देखिए, इसका कुछ ऐसा म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। ये पावर विंडो, जो फ्रंट पावर विंडो आते हैं उनके कंट्रोल हैं। ये चारों हजार लैंप ऑन करने के लिए पार्किंग। और ये इसके अंदर एसी हीटर दोनों आते हैं। ये इसका ब्लोअर मैनुअल एसी दिया हुआ है। और ये एसी का बटन, इसके अंदर 12 वोल्ट का डीसी चार्जर दिया हुआ है। यूएसबी के लिए कोई पोर्ट वगैरह नहीं मिलता। और इसके अंदर फाइव गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ। और इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर भाई स्पेस बहुत ही अच्छा है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, एक आपको एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। अभी इसका मीटर कंसोल ऑन करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से, कैसा इसका मीटर कंसोल दिखता आपको। ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से वार्निंग लाइट्स वगैरह आती हैं। और डिजिटली आपको इसका मीटर मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे दी हुई है इसकी फ्यूल की, और ये इसको स्पीड मीटर, यहाँ पे फ्यूल की है। टेम्परेचर मीटर वगैरह इसके अंदर आता नहीं है, ट्रिप ए ट्रिप बी। और कि इसके माइलेज भी शो करता है, ये कितने पर लीटर के माइलेज दे रही है, ठीक है। एवरेज स्पीड और रेंज कितनी रह जाएगी आपकी पेट्रोल की, वो भी दिखा रहा है। टोटल किलोमीटर ही आ चुके हैं, और टाइम भी शो करेगा। सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह सब कुछ शो कर रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर एसी वेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कुल 4 एसी वेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर कुल 4 एसी वेंट्स आते हैं। और इसके अंदर स्पीड डोर लॉकिंग वगैरह भी आते हैं फीचर्स। और अभी इसकी साइड वाले रेन वाइजर की बात, मतलब सन वाइजर की बात करें तो इसके अंदर कोई भी एंटी मिरर वगैरह नहीं आता, ठीक है। और ये इसका मैनुअल नहीं है, मतलब नॉर्मल दिया हुआ है। एक डे नाइट एडजस्टेबल आता वो नहीं दिया हुआ। ये हैलोजन बल्ब दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको। ये इसका VXI वेरिएंट है जो आप देख रहे हो। और स्टेयरिंग की बात करें तो आपको कोई टिल्ट वगैरह कोई स्टेयरिंग नहीं मिलता, फिक्स स्टेयरिंग मिलता है। और टिल्ट स्टेयरिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको, दिखा देते हैं आपको। देखिए, स्पेस वगैरह की बात करें तो मेरी 6 फुट हाइट होने के कारण मैं इसको बहुत ही आसानी से चला सकता हूँ। स्पेस वगैरह अच्छा है इसका। और ये देखिए, कुछ सामने का ऐसे इसका व्यू रहता है, सामने से बोनेट वगैरह विजिबल नहीं होता, लेकिन सामने का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। इसके साथ ये इसके हो गए वाइपर के कंट्रोल, ये हो गए इसके हेडलाइट के कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इंडिकेटर के इस साइड से ही, ठीक है। और इसका ही कुछ म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, जो कि आपको ऑक्स और USB का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आगे पीछे करने के लिए। मेनू वगैरह इसके अंदर ये दिए हुए मोड, ये इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए इसके, ठीक है। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। इसका म्यूजिक सिस्टम आपको सुना के दिखा देंगे। इसके अंदर 2 स्पीकर आते हैं, कोई ट्विटर वगैरह कुछ नहीं आता। अभी चलते हैं इसकी गाड़ी के पीछे और दिखाते हैं आपको इसका बूट कितना स्पेस, लेग स्पेस वगैरह बचता है। हेड स्पेस की बात करें, फ्रंट में मेरी 6 फुट हाइट होने के कारण बहुत ही अच्छा हेड स्पेस बचा हुआ है। अभी चलते गाड़ी के पीछे। मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट सेट कर रखी है। और अभी लेग स्पेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेग स्पेस मिलता है। हेड स्पेस की भी बहुत ही अच्छा मिलता है, मतलब मान लो अपनी 4 उंगलियां होती हैं, इतना हेड स्पेस ऊपर मेरे को मिला हुआ है। मेरी 6 फुट हाइट है और यहाँ पे बैठने के लिए आसानी के लिए यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है। और ये इसकी पीछे मैनुअल विंडो आती है, सामने फ्रंट विंडो आती है, कुछ इस प्रकार से दिया। सीट कंफर्ट की बात करें तो अच्छा ही कंफर्ट दिया हुआ है। पीछे सीट बेल्ट वगैरह भी आती है, कोई एसी वेंट वगैरह पीछे नहीं आता, ठीक है। चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी नहीं है पीछे। और हाल बात करें तो भाई साहब बहुत ही अच्छा स्पेस है। ओल्ड टू 800 से तो K10 में बहुत ही अच्छा स्पेस है। और अभी इसको दिखा देते हैं आपको इंजन इस गाड़ी का, कैसे प्लेसमेंट किया हुआ है। आपको इसका बोनट ऑन करने के लिए यहाँ से ये लीवर दिया हुआ है, यहाँ से ऑन किया। कुछ इस प्रकार से इसका इंजन दिया हुआ है। इसके अंदर वो ही 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। ये इसका वॉशर का रेडिएटर वगैरह दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसका क्लीनिंग बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत नीट एंड क्लीन काम किया हुआ मारुति ने। और इसके अब
प्राइस की बात करें, इसके एक्स शोरूम की बात करें तो आपको पड़ेगा 4,99,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पानीपत हरियाणा के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियोस को देख के जाना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना वरना डिसलाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए भाइयों थैंक यू सो मच।